चलो करते हैं स्टार्ट। अब जितने भी चंद आ गए, अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, दो तीन टर्म्स के बारे में। हमारा पैरासाइट और होस्ट है, बाकी वो थर्ड यूनिट में होगा या सेकंड में, देख लेना। कमेंसलिज्म क्या है? हमें पता है कमेंसलिज्म किसी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में वो रिलेशनशिप है। अब ये इंटर स्पेसिफिक होता है, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक है, किसी दो स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं, अलग स्पीशीज के, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है जिसमें एक इंडिविजुअल को बेनिफिट होगा और दूसरे को ना तो बेनिफिट होगा ना तो उसको नुकसान होगा, ठीक है, नाइदर हार्म नॉट बेनिफिट। अब इसमें देखो, नॉट बेनिफिट तो इसका मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स तुमने पढ़े होंगे कमेंसलिज्म के, जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को ना बेनिफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो एक फिश का एग्जांपल भी पड़ा है, एक फ्रॉग का एग्जांपल होता है, गोल्डन जैकल का एग्जांपल होता है, वो देखते हैं। जैसे देखो एक क्लाउन फिश है, एक रिमोरा फिश होती है, ठीक है, इन रिमोरा फिश, पहले रिमोरा फिश का एग्जांपल देखो, एक रिमोरा फिश होती है, उसके हेड पे एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप मतलब वहां पे लार्ज एनिमल के साथ अटैच होने में हेल्प करता है उसकी, जैसे शार्क्स के साथ अटैच हो जाता है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करवाएगी। बट शार्क जो लार्जर एनिमल जो वाटर एनिमल्स हैं उसी के हैबिटेट में, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, बट इनको शेल्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक इंडिविजुअल को कोई नुकसान नहीं हो रहा और एक जो है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है जिसको कोई नुकसान नहीं है, वो उसको क्या, उसका तो कुछ जा नहीं रहा, जो ये स्पीसीज है वो वहां से फायदा उठा रही है। ऐसे ही एक क्लाउन फिश होती है जो, जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ टेंटेकल्स शो रही है, वहां पे रहती है, इसको शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। मतलब ये दो स्पीशीज है, एक इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज है और एक वर्टिब्रेट की स्पीशीज है, एक स्पीशीज दूसरे का फायदा ले रही है बट दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ऐसे ही एक ट्री फ्रॉग का एग्जाम्पल होता है जो कि प्लांट को एज अ प्रोटेक्शन यूज करता है, प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता बट वो उस प्लांट को अपने प्रीडेटर से बचने के लिए उसके अंदर छिप जाते हैं, ठीक है। ऐसे एक गोल्डन जैकल का एग्जांपल है, कैटल इग्रेट, जो हमारे आसपास एक कॉमन एग्जांपल है वो कैटल इग्रेट है। कैटल इग्रेट आपने देखा कि कोई कैटल ग्रेजिंग कर रही है, ठीक है, ग्रेजिंग करते हुए कई सारे इग्रेट्स उस फॉर एग्जाम्पल काऊ है, ठीक है, वो ग्रेजिंग कर रही है, तो कुछ बर्ड्स आके उसके जहाँ पे वो ग्रेजिंग कर रही होती है उसके आसपास क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और जो भी ग्रेजिंग करते हुए ग्रास की रूट्स में से या फिर उस सोयल में से कुछ इंसेक्ट्स निकल के आते हैं उन पे फीड करते हैं। काओ को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बेनिफिट हो रहा है बट वो उस बर्ड से बेनिफिट नहीं हो रहा, वो खाने से बेनिफिट हो रहा है ग्रास से, यहाँ पे ग्रास की बात नहीं हो रही, तो वो खाना खा रही है, उसको उस बर्ड से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा बट उस बर्ड को उस काऊ से बेनिफिट हो रहा। आज काऊ से बेनिफिट तो कम होता है बट वो आज जो ज्यादातर बर्ड्स हैं वो जो हम ट्रैक्टर यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे भी देखा होगा जो गांव से होगा उसको पता होगा कि कभी कोई ट्रैक्टर चलाते हैं वहां पे भी उस ट्रैक्टर के पीछे काफी सारे बर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वहां से इंसेक्ट्स निकल के आ रहे हैं काफी सारे, ठीक है। सम बर्ड्स लिव, ये वही एक जैसे ये देखो ये दिख रहा है और यहाँ पे ये जो एलिफेंट के ऊपर एक इगरेट बैठा हुआ है, ये इगरेट यहाँ पे क्या है, कहीं देखा होगा एक ब्लैक ट्रोंगो होता है, वो ज्यादातर काउ के ऊपर बैठा होता है, किसी लार्ज एनिमल के ऊपर बैठा होता है, मैमल के ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे इनको फूड मिल रहा है, टिक्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर वो फीड कर रहे हैं, बट ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल नहीं है, ठीक है, कि वो फीड वहां पे फीड कर, इनकमेंसलिज्म का एग्जांपल क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये बर्ड एलिफेंट के ऊपर फीड करेगा तब इस बर्ड का भी फायदा होगा, इसको बेनिफिट मिलेगा, इसके साथ एलिफेंट को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसकी बॉडी क्लीन हो रही है, तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। बट यहाँ पे इस काऊ को, इसको फॉर एग्जांपल कोई भी
एनिमल फीड कर रहे हैं, इसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बट बर्ड को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है क्योंकि इसको यहाँ से इंसेक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। एक दूसरा जो मैंने पहले बताया था कि अटैच हो जाते हैं लार्ज एनिमल जैसे शार्क और वेल्स की बॉडी पे, वो शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं उसको। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे आउल ज्यादातर कहाँ पे पेड़ में कुछ जगह देखते हैं और वहां पे अपना शेल्टर बनाते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद पैरासिटिज्म, एक होता है अमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म के पहले अमेंसलिज्म सुन लो। अमेंसलिज्म क्या है, एक को नुकसान हो रहा है, एक को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पता है कुछ? अमेंसलिज्म का मेन एग्जाम्पल क्या है हमारे आसपास, कोई एग्जाम्पल? फंगस वगैरह का एग्जाम्पल होता है पेनिसिलियम का। पैरासिटिज्म वो, अब जो हमने टर्म पढ़ी है वो तुम्हें दोबारा करवा देगा कोई ना कोई, क्योंकि तुम्हारे दूसरे आई थिंक सेकेंड ईयर में होगी। अब पैरासिटिज्म देख लो फटाफट, खत्म करते हैं छोटी सी। पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म वो इंटरेक्शन है किसी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें एक एज अ पैरासाइट बिहेव करेगा और दूसरा उसके ऊपर, उस होस्ट को दूसरा होस्ट की तरह बिहेव करेगा जिसके ऊपर पैरासाइट पूरी तरह से डिपेंड है, ठीक है। मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को हार्म हो रहा है, ठीक है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है हमारी लाइफ का, टिक्स एंड फ्लियास है कि नहीं, लाइस जो हमारे सिर पे सारा दिन परेशान करती है, होगी कोई ना कोई किसी के सिर में। टिक्स एंड फ्लियास जो कि होस्ट के ऊपर रहती है और उसी पे डिपेंड करती है और उसका एक पार्टिकुलर निश है, उसके अलावा वो कहीं पे नहीं जा सकती। अगर मैं इसको अपने सिर में से निकाल के कहीं और हमारी बॉडी में बाहर लगा दूं एज एक्टो पैरासाइट, ये एक्टो है ना, तो वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, उसको अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए डेंस हेयर चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है। वहां पे उसको बचना है, वहां पे उसको फूड मिलेगा, वहां पे वो रिप्रोड्यूस करेगी जो कहीं और नहीं कर सकती बॉडी पे। अगर वहां पे डेंस हेयर नहीं होंगे वहां पे वो ग्रो नहीं कर पाएगी, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। मतलब एक पैरासाइट का भी एक पार्टिकुलर निश होता है, ऐसा नहीं है कि किसी कोई दूसरा, मतलब पैरासाइट कोई और, फॉर एग्जाम्पल कोई लार्ज एनिमल है उसी का ही एक निश होगा, इन पैरासाइट्स का भी निश होता है। अब जैसे उन निश के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि वो कहाँ का पैरासाइट है, वो डिपेंड करता है कि वो स्टेज कौन सी है उस पैरासाइट की। हर स्टेज पे अपना अलग अलग निश होता है, जैसे लार्वा कहीं और पे कहीं और फीड करता है हमारी बॉडी में। एंडो पैरासाइट का एग्जांपल ले लो, लीवर फ्लू का, शीप की लीवर पे है ना, तो वो लीवर ही उसका निश है, कहीं और सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसने अपने आप को ऐसा अडेप्ट किया हुआ है। अब जैसे कुछ इंसेक्ट्स हैं है ना, मलेरिया, मलेरिया जो आज, अब ऐसे हम देख रहे हैं कोविड बहुत ज्यादा फैला हुआ है, कोविड से ज्यादा खतरनाक मलेरिया है कि नहीं। तो मलेरिया इतना देख, बाकी बच्चे नहीं आएंगे क्या? 35 ही रहेंगे, अटेंडेंस आई थिंक ज्यादा बच्चों की लग रही है। चलो देखो अभी इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट्स के एज अ पैरासाइट। कस्क्यूट प्लांट्स के तो हमने करने नहीं, कस्क्यूट वगैरह होते हैं कुछ, एक पिक्चर प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट देखा होगा, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप वो पकड़ लेता है किसी, वो इवन फ्रॉग भी उसके अंदर एंटर करता है तो सेंस ऑफ टच से वो इसको ग्रैब कर लेता है। टोमेटो हॉर्नवर्म एक एग्जाम्पल है, टेपवर्म, ये सब आगे बताऊंगा। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है, जैसे बर्ड्स और, अब ये प्लांट और एनिमल का
रिलेशनशिप है, एक लाइकेन होते हैं है ना, अब उसमें फंगी और एल्गी का भी आपस में रिलेशनशिप होता है, लेग्यूम्स पढ़ा होगा ठीक है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं जो एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब जैसे बर्ड्स नहीं होंगे तो प्लांट्स में पोलिनेशन कैसे होगी, इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स में पोलिनेशन नहीं होगी, तो आगे वो मतलब उस स्पीशीज का एक्सटिंक्शन पक्का है, बट आफ्टर सम जनरेशन। अभिषेक, एल्गियन फंगी हो गया, ये एग्जांपल्स देख ले, बड़ी पीपीटी शेयर कर दूंगा ठीक है। प्रेडेशन, प्रेडेशन में मैंने तुम्हें बताया था पहले, जो पहले लेक्चर गए सेम वही, कि एक ऑर्गेनिज्म प्रेडेशन में क्या है, डेथ पक्की है, पैरासाइट में वहां पे वो डिपेंड तो है उसके ऊपर। अब देखो लाइस है वो हमारी बॉडी के ऊपर रहती है, हार्म तो करती है बट इट मे नॉट बी फैटल, बट प्रिडेशन में क्या होगा, उसको मार के खाना ही खाना है। अब यहाँ पे देखो पीछे कहीं एग्जाम्पल बताया मैंने, वुल्व्स का एग्जाम्पल बताया है ना, तो वहां पे वो एज अ प्रीडेटर उसको किल करके प्रे को फीड करेगा। ये देखो ये सारे प्रीडेशन के एग्जाम्पल हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पैरासाइट होस्ट के रिलेशनशिप के बारे में, थोड़ा डिटेल में। डिटेल में भी क्या है, तुमने सबने पढ़ा हुआ पहले, होस्ट तुम्हें पता है क्या होता है, जिसकी बॉडी पे कोई एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डिपेंड है ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अलाउ करता है, या इंसेक्ट हो सकता है, बैक्टीरिया, कुछ भी, कोई इनवर्टिब्रेट ठीक है, जिसकी बॉडी पे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से अपनी उसकी लाइफ डिपेंड है, पैरासाइट ठीक है। इसको अभी चलते हैं टाइम वेस्ट। और ये अभिषेक और सीनियर यहाँ कहाँ से आ गए हैं तुम्हारे, सही है, देखा तुम्हें मिला दिया ना मैंने यहाँ पे, कोई जो तुम्हें 2 साल में कोविड ने दूर रखा था, आज मैंने तुम्हें एक क्लास में बिठा दिया। देखो आगे, कुछ पैरासाइट्स के एग्जांपल देख लो, फ्लियाज, किसी के घर कोई डॉग होगा जो उसको नहलाता ना हो, या कैट होगी, कैट तो कहाँ ही होगी, किसी के बस की बात नहीं कैट रखना। हमारा ये एक कॉमन एग्जाम्पल है यहाँ, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, जैसे हॉर्स के अंदर होता है एस्कैरिड होता है ठीक है, एस्कैरिस, एक एस्कैरिस होता है और एक एस्कैरिड होता है, वो हॉर्सेज में होता है ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉर्म होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब पैरासाइट में इन्वेड इन टू वेज, दो तरीके होते हैं, एक्यूट इन्वेजन और क्रोनिक इन्वेजन, ये तुमने पढ़ा होगा आई थिंक। देखो पैरासाइट के पास
सर्वाइव करने के लिए क्या जरूरी है, मतलब क्या वहां पे क्या ढूंढेगा वो सबसे पहले? वो न्यूट्रिशन देखेगा, सबको न्यूट्रिशन चाहिए है ना, इवन पैरासाइट को छोड़ो, आजकल एक घर में लड़ाई भी न्यूट्रिशन के लिए ही हो रही है, ठीक है, हर घर का यही हाल है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना चाहेगा वहां पे वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब न्यूट्रिशन तो वो उस निश पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये एक यहाँ पे चूज ही हो गया, जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था, उसमें जब मैं मॉडल करवा रहा था लास्ट क्लास में, वहां पे मैंने बताया था कि जो प्रीडेटर है वो चूज ही होता है, यहाँ पे जो पैरासाइट है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में चूज ही होगा। जैसे कोई भी एक वॉर्म है, अब जैसे मैंने हॉर्स का एग्जाम्पल बताया कि वो वॉर्म्स हॉर्स में रहते हैं, हॉर्स के इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन में ही जाएगा, वो कहीं और छोड़ दो उसको तो वापस वहीं पे आएगा, क्योंकि वहां पे उसको अच्छा वो अडेप्ट हो चुका है उस एनवायरनमेंट में। जो ज्यादातर पैरासाइट जीआईटी में क्यों होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्यों होते हैं, वहां पे वो इम्यून सिस्टम से बचे रहते हैं, होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उससे बचे रहते हैं। जो इन जीआईटी में नहीं होते या कहीं और प्रेजेंट होते हैं, वो वहां पे सिस्ट बना लेते हैं, वो पैरासाइट सिस्ट बना लेंगे ताकि हम उस होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वहां तक ना पहुंच पाए, ठीक है। तो वो कैसे भी करके अपना न्यूट्रिशन, अपनी प्रोटेक्शन और एबिलिटी रिप्रोड्यूस करने की कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। और एक और चीज बताई थी मैंने लास्ट क्लास में कि अगर प्रीडेटर, यहाँ पे मैं प्रीडेटर बता रहा हूँ, अभी पैरासाइट पे ही आऊंगा, प्रीडेटर अडेप्ट हो रहा है ना, सॉरी, अगर प्रे अडेप्ट हो रहा है, साथ के साथ प्रीडेटर भी अडेप्ट होगा, को इवोल्यूशन बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे जैसे अगर पैरासाइट अडेप्ट हो चुका है ना, तो होस्ट भी अडेप्ट हो जाते हैं, अगर होस्ट अडेप्ट नहीं हो पाएगा तो ये जो पैरासाइट, जो पैरासिटिज्म है वो किसमें, प्रीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डेथ तो पक्की है अगर वो होस्ट अगर अडेप्ट नहीं हुआ तो, ठीक है, कुछ हद तक वो मौज ले पाएगा पैरासाइट होस्ट की, बट होस्ट भी इतना सीधा नहीं है कि जो उसको कितने, अभी मेरे को क्या पता कि किसके सिर में इतनी जुएं हैं, है कि नहीं, कोई ना कोई तो होगा पक्का। अब वो मेरे को पता है वो कैसे मारता होगा, मर्डर करता होगा रोज, 20 20 30 30 लाइस का मर्डर होता होगा किसी ना किसी के पक्का, है पैरासाइट। अब देखो लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मेन पार्ट है इस पैरासाइट का। अब लाइफ साइकिल जो ये अडेप्टेशन है, ये लाइफ साइकिल पे ज्यादा डिपेंड करती है, मतलब जैसे फूड चेन है, अब ये फूड चेन का भी एक हिस्सा है। अब देखो पैरासाइटिक, अब जो लाइफ साइकिल जो होती है पैरासाइट की, यहाँ पे ये लिखा है कि नेवर एंडिंग चेन ऑफ इवेंट, ये रिप्रोड्यूस करता ही रहता है, करता ही रहता है, और ये लार्ज नंबर में करता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यार ये चल क्यों नहीं रहा, ये देखो यहाँ से देखो, कोई भी पैरासाइट, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट एंटर कैसे करता है, किस फॉर्म में एंटर करता है हमारी बॉडी में, एग्स की फॉर्म में करता है ना, एग्स की फॉर्म में एंटर करेगा। कोई भी सेकेंडरी होस्ट कह सकते हो, या तो डायरेक्ट है, तो जैसे हॉर्स है यहाँ पे, यही यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है स्कैरिड्स का जो भी बताया था मैंने। अब ये ग्रेजिंग करते हैं, वहां पे ग्रेजिंग करेंगे जहां पे ऑलरेडी वो हैबिटेट जो है भी इन्फेक्ट हुआ का एग ले किए होंगे किस इस पैरासाइट ने, या तो एग ले किए होंगे या फिर किसी सेकेंडरी होस्ट के थ्रू आए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट के थ्रू आए या फिर कैसे भी आए, हमने सिर्फ होस्ट के अंदर एंटर करने, हमने नहीं करवाने। अब यहाँ पे पहला जो मोड है वो डायरेक्ट एंटर हुआ फीडिंग के थ्रू, वो फिर यहाँ पे लिखा है कि रिलीज्ड इन फीकस, फीकस के थ्रू भी आ सकते हैं। फिर वो क्या होगा, जब वहां पे कोई ग्रेजिंग करेगा उसके अंदर एंटर करेंगे, देन माइग्रेट कर जाएंगे स्मॉल, जहां जहां भी उसका निश होगा, जहां भी वो प्रेफर करेगा, जोन सी भी स्टेज उस पैरासाइट की, लार्वल स्टेज होगी कोई भी, ठीक है, वो टाइम ड्यूरेशन होती है स्टेज की, जैसे इसकी 12 वीक है, कुछ वीक वो कहीं और स्पेंड करेगा, कुछ कहीं और,
यहाँ पे वो इंटेस्टाइन में माइग्रेट करेगा, इंटेस्टाइन में कुछ स्टेज कंप्लीट होगी, देन वो लंग्स में चला जाएगा, ट्रैकियल माइग्रेशन होगी। तो ये लाइफ साइकिल है, चलती रहेगी, हर स्टेज में अलग अलग सिम्टम दिखेंगे। ये तो बेसिक से लाइफ साइकिल तुमने पहले बहुत पढ़ी होगी, या फिर आगे भी है शायद, पता नहीं। फिर वहां पे देखो, इन्होंने यहाँ पे इंटेस्टाइन में शेल्टर लिया, वहां से फूड लिया, दूसरी स्टेज ने लंग्स में जाके लिया, रिप्रोड्यूस कहीं और करते हैं, अपने कुछ स्टेज कहीं और बिताते हैं, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है जो कि एंड नहीं हो रही, चली जा रही है। अब यहाँ से रिप्रोड्यूस होगी, रिप्रोड्यूस होने के बाद एगले किया जाएगा, एगले करेंगे फिर दोबारा किसी हॉर्स में चले जाएगा। तो साइकिल का मतलब ये साइकिल नहीं है, साइकिल का मतलब है कि पूरी एक जन उसमें पॉपुलेशन में ही चले गई हो, पूरी साइकिल चल रही है, खत्म नहीं हो रही। अगर मान लो यहीं पे ही मैं खत्म कर दूं, कुछ डिजीजेज हैं जो इरेडिकेट हो जाती हैं, है ना, इरेडिकेट हो जाती हैं कुछ। अब वो इरेडिकेशन कैसे होती है कि हम उस होस्ट को बचने ही ना दें, वो होस्ट ही खत्म कर दें जिसके अंदर वो सर्वाइव करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे होस्ट खत्म कर दो, जिनके अंदर वो पैरासाइट है उस होस्ट को खत्म कर दो, तो वो डिजीज इरेडिकेट हो सकती है उस हैबिटेट में, उस एरिया में। तो उस साइकिल को खत्म करना पड़ेगा, पैरासाइट को खत्म करने के लिए ये लाइफ साइकिल को खत्म करना पड़ेगा, जो पूरी साइकिल चल रही है जो एंड ही नहीं हो रही, उसको खत्म करना पड़ेगा ताकि हम इस डिजीज को, इस इंफेक्शन को हम इरेडिकेट कर सकें। डिफरेंट पैरासाइट के अलग अलग तरीके होते हैं सर्वाइव करने के, ठीक है। हर एक पैरासाइट अपना रोल प्ले करता है फूड चेन के अंदर, अपना निश ढूंढ लेता है सरवाइव करने के लिए, जहां पे उसको अच्छा लगता है, जहां पे वो सरवाइव कर सकता है वो ढूंढ ही लेता है। अगर वो अडेप्ट हो रहा है तो को एवोल्यूशन से होस्ट भी अडेप्ट होगा। कैसे सरवाइव? म्यूचुअल इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट एंड होस्ट मे लीड्स टू पैरासाइट बिकम लेस डैमेजिंग, ठीक है। और जो होस्ट होता है वो और रेजिस्टेंट बन जाता है। दिस पैरासाइट जिसमें बोथ द होस्ट, सॉरी, इसका मतलब क्या है कि दोनों होस्ट एंड पैरासाइट चेंज होते हैं टाइम के साथ, दोनों चेंज होने जरूरी हैं। अगर कोई एक फॉर एग्जांपल पैरासाइट ही अडेप्ट हुआ तो फिर तो होस्ट तो गया काम से। निश क्या है? ये सब मैंने बता दिया, एक बार देख लो। निश किसी पैरासाइट का एक निश बहुत बड़ी चीज है, वो उस पर डिपेंड करता है पैरासाइट कि वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। किसी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, वहां पे वो कैसे फीड कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है तो कौन सा निश होगा, फीड कर रहा है तो कौन सा निश होगा, ये डिपेंड, ये चीजें हैं। पैरासाइट का निश दोबारा ये कंटिन्यू है, ये छोड़ो आगे देखो। कॉमन टाइप ऑफ पैरासाइट्स आपने देखे होंगे, राउंड वर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, हर्ट वॉर्म, अमीबा, फ्लियाज, लीज, लाइस, ब्ला ब्ला जो भी है। ईच कोज डिफरेंट सिम्टम एंड डिफरेंट इन्फेक्शन। हर एक का अपना अलग सिम्टम है, अलग हैबिटेट निश है, अलग इन्फेक्शन है। इवन एक पैरासाइट के भी अलग अलग निश है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज इन विच दे आर। एज होस्ट इज ट्रीटेड फॉर अ पैरासाइट, दोनों के अंदर इम्यूनिटीज डेवलप होती हैं, द होस्ट टू द पैरासाइट एंड द पैरासाइट टू द ट्रीटमेंट, है ना। पैरासाइट को ट्रीटमेंट, जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है या फिर कोई एक्सटर्नल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो उससे अडेप्ट होगा, पैरासाइट होस्ट से, सॉरी, होस्ट पैरासाइट से अडेप्ट होने की कोशिश करेगा। पैरासाइट इन द फूड चेन 6 लिंक्स हैं, कैसे एंटर करते हैं? कॉन्टेक्ट एंड एंट्री इन टू द होस्ट, गेनिंग इन द सुटेबल निश को, मतलब सुटेबल निश फाइंड कर लेगा जहां पे वो न्यूट्रिशन ले पाएगा। अगर एक निश को हमने खत्म किया वो दूसरा ढूंढ लेगा। कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल इन द होस्ट, ठीक है, अगर आप सिर नहीं दोगे बार बार तो फिर तो कुछ सिर में तो ज्यादा बड़ा बंगला बन जाएगा इनका, वहां रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, फिर वहां पे ज्वाइंट फैमिली बनेगी लाइस की, है कि नहीं। एस्केप फ्रॉम होस्ट, रिलीज बैक इनटू द एनवायरनमेंट, जैसे वो फिकस के थ्रू जैसे मर्जी जाएगा। फिर वहां पे डेवलपमेंट होगी, वहां से इंटरमीडिएट होस्ट उसको लेगा, इंटरमीडिएट होस्ट फिर आगे पूरी साइकिल में चला देगा उसको, ठीक है। 3 रूट होते हैं, या तो वो
टैग के थ्रू जो फीकस से या एनवायरनमेंट में कैसे भी गया। दूसरा स्किन कांटेक्ट, स्किन कांटेक्ट से कैसे मॉस्किटो है बाइट करेगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा अपने एंटीकोगुलेंट्स जो होंगे हमारे बॉडी के, उससे इंटरफेयर करता है जो भी है। पैरासाइट कैन पेनिट्रेशन थ्रू स्किन, क्या क्या एग्जांपल, जब मलेरियल पड़ा होगा क्या होते हैं उस पैरासाइट, प्लाज्मोडियम देखा होगा, स्पोरोजोइट्स वगैरह एंटर करवाते हैं ना, ये पैरासाइट होते हैं जो वो मॉस्किटो की वजह से स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में। फ्रॉम द मदर टू द बेबी एक मोड ये है, ठीक है। पैरासाइट फाइंड इट्स निश इन द होस्ट, उसके बाद जैसे ही एंटर करता है ब्लड में, वहां से वो, उसको क्या पता मैंने कहाँ जाना है, वो अडेप्ट हो चुका है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट देखेगा कि वो वहां पे अपना निश ढूंढे और वहां पे सरवाइव, बस अब मिल गया मुझे घर, अब मैं यहीं रहूंगा, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई ट्रीटमेंट ना चले इसका। मस्ट इवेड होस्ट डिफेंस, ठीक है, जो डिफेंस मैकेनिज्म जैसे मैंने अभी बताया था, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम से बचने के लिए वो अपना ऐसा निश फाइंड करता है कि उसका इम्यून सिस्टम जो होस्ट का है वो भी काम नहीं कर पाता। जैसे अगर वो जीआईटी में है, जीआईटी में तो इम्यून सिस्टम क्या क्या है, क्या है डिफेंस है, स्टमक में एसिड है ना, वही तो है मेन हमारा जीआईटी का, वो भी स्टमक में है। इंटेस्टाइन ज्यादातर डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां पे इम्यून सिस्टम इतना वर्क नहीं करता, जो अगर जहां पे इम्यून सिस्टम वर्क करता है वहां का कोई पैरासाइट है तो क्या होगा, वहां पे वो सिस्ट बना लेगा, सिस्ट बना लेगा, कवरिंग बना लेगा अपने आसपास जहां पे इम्यून सिस्टम हमारा पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। मस्ट माइग्रेट, अब मूवमेंट होती है टिश्यू के थ्रू, थ्रू सिस्टम फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन, मोस्ट रिटर्न्स टू इंटेस्टाइन टू बी रिलीज इन द फीकस। एग्जाम्पल है कुछ निश के नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो ह्यूमन लाइस का, ओनली रिप्रोड्यूस, सिर्फ ये ह्यूमंस पे रिप्रोड्यूस करेगा वो वाले एरिया पे जहाँ पे ज्यादा ज्यादा हेयर होंगे, जहाँ पे डेंस हेयर होंगे, ठीक है। एक बेबेसिया पैरासाइट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स में ही मिलेगा, अगर रेड ब्लड सेल्स ही हम ट्रीट करवा दें तो वो बाकी चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट विद होस्ट स्टार्ट रीस्टार्ट लाइफ, ये है गया, सरवाइव करेगा होस्ट में, ये चाउमीन नहीं है वैसे तो, लग तो वही रही है, राउंड वर्म्स है इंटेस्टाइन के अंदर, क्या पता राउंड वर्म ना हो। टाइमिंग ऑफ फोटोग्राफ स्ट्रीट फूड के बाद बाद की हो। देखो सर्वाइवर इन होस्ट इवेड द इम्यून सिस्टम लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस, क्या क्या मेथड्स है, अपने आप को मिमिक कर लेता है ताकि हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज ही ना कर पाए, ठीक है। सेल के अंदर रहेगा जहां पे जो इम्यून सिस्टम इंट्रा सेलुलरली नहीं होते, इंटर सेलुलरली होते हैं, उनसे बचने के लिए लिव इन द गेस्टो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये बता दिया, सिस्ट बना देता है, ये भी बता दिया। रिप्रोडक्शन, न्यूमरस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा जिसमें से कुछ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे लाइफ साइकिल, उसके बाद इसके ये देख लो बस कैसे बाहर निकलता है डेवलपमेंट के। हाँ एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है, तुमने सुना होगा इंटरमीडिएट होस्ट होता है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कुछ पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल में, अगर उस पैरासाइट को खत्म करना है तो इंटरमीडिएट होस्ट को खल्लास कर दो तो वो पैरासाइट अपने आप खल्लास हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट, बस हो गया, यस मैम ये क्या कह रही है, इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ साइकिल, ये तो देख ही लिया इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चंस पूछो या कुछ इसने कि क्या क्या तुमने देखा कि क्या क्या, कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट हमने नहीं करनी, बस उस पैरासाइट इंटरेक्शन जरूरी था, छोटा सा ड्रग्स देख लेना कौन कौन सी है, पीपीटी दे दूंगा इसमें से देख लेना ड्रग्स, वैक्सीन आजकल तुम्हारी चल ही रही है, ठीक है यहीं से पढ़ लेने एक बारी, चलो ठीक है। आया कुछ किसी को समझ के ऐसे फालतू था ये लेक्चर। किसी ने कुछ समझ आया,
कि है वही सी। ये खत्म हो गया तुम्हारा पार्ट, कौन सा भी पार्ट था जो भी था, ये खत्म हो चुका है। अच्छा पैरासिटोइड, पैरासाइट, पैरासिटिज्म और पैरासिटोइड में डिफरेंस क्या है ये सुन लो। पैरासिटोइड क्या होता है कि अब देखो, इंसेक्ट के अंदर लार्वल स्टेज होती है। अब वो लार्वल स्टेज किसी होस्ट के ऊपर रह के, हाँ मैडम बता रहा हूँ, पैरासिटोइड ही बता रहा हूँ। पहले तो पैरासिटिज्म में तुम्हें पता लग गया ना, पैरासिटिज्म में क्या होता है कि कोई भी एक पैरासाइट है होस्ट के ऊपर रहेगा, होस्ट को जो क्या उसको हार्म पहुंचाएगा। बट पैरासिटोइड जो होता है ना वो होस्ट के ऊपर रहता है लेकिन अल्टीमेटली वो किल कर देता है होस्ट को, ये डिफरेंस है। वहां पे वो किल नहीं हो रहा था बट पैरासिटोइड क्या करेगा, अल्टीमेटली इसको किल कर देगा। ठीक है समझे। आस्था को समझ आ गया पैरासिटोइड। इसके कुछ एग्जांपल वही फ्लियाज वगैरह होते हैं। चलो यू कैन लीव नाउ, जाओ कोई नहीं।